हेलो, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कंपलसरी इंग्लिश का जो क्लास करंट का जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म सैनी आदर्श इंडिया मल्टी सीनियर सेकेंडरी स्कूल मानिक के द्वारा निर्धारित वे में जो उसका शुरू किया गया है, उसी में आज मैं एक और वीडियो लेकर आपके सामने आया हूँ। लास्ट वीडियो में हमने जो बात की थी इन्विटेशन के बारे में बात की थी। इन्विटेशन क्या होता है, इन्विटेशन के प्रकार कितने होते हैं, दोनों में जो फॉर्मल और इनफॉर्मल जो इन्विटेशन होते हैं उनमें डिफरेंस क्या होता है, और हमारे सिलेबस में कुछ क्वेश्चन किस प्रकार से पूछा जाता है। देखो रिपीट कर लो है कि इन्विटेशन जो होता है क्या होता है। मैंने कहा था इन्विटेशन वह एक्ट होता है, वह कार्य होता है जिस एक्ट के द्वारा किसी व्यक्ति को काम करने के लिए या फिर किसी स्पेसिफिक इवेंट पर अटेंड होने के लिए इनवाइट किया जाता है, उस एक्ट का नाम होता है इन्विटेशन। और ये इन्विटेशन जो होता है टू टाइप्स का होता है, कितने प्रकार का होता है, दो प्रकार का, एक फॉर्मल इन्विटेशन और दूसरा इनफॉर्मल इन्विटेशन। डिफरेंस मैंने कहा था कि फॉर्मल इन्विटेशन, पहली चीज फॉर्मल इन्विटेशन कार्ड इन्विटेशन होता है, कार्ड इन्विटेशन होता है। दूसरा ये थर्ड पर्सन में बनाया जाता है, थर्ड पर्सन का उपयोग करते हुए इसको लिखा जाता है, जबकि इनफॉर्मल जो होता है ये पहली बात तो कि लेटर फॉर्मेट में लिखा जाता है, पत्र के प्रारूप में लिखा जाता है, और दूसरा कि इसे फर्स्ट अथवा सेकंड पर्सन का यूज करते हुए बनाया जाता है। फर्स्ट अथवा सेकंड पर्सन का यूज करते हुए, प्रयोग करते हुए इसे लिखा जाता है। ये कौन सा होता है, इनफॉर्मल इंडिकेशन। और मैंने कहा था हमारे सिलेबस में हमसे जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, वो पूछा जाएगा इन्विटेशन के रिप्लाई देना कि हमें कोई इन्विटेशन प्राप्त हुआ है और हम उसका रिप्लाई कैसे बनाए। और रिप्लाई जो मुझे लगता है, मैंने ये भी बात की थी आपसे कि रिप्लाई जो होते हैं ये टू टाइप्स के होते हैं। आप जब किसी फंक्शन में जाते हो तो ये आप उसको एक्सेप्ट कर रहे हो, अर्थात कि आपने फंक्शन को में जाने का मन, फंक्शन में जाने का निमंत्रण उसे स्वीकार किया है। लेकिन किसी कारणवश आप नहीं जा पाते हो तो वो डिक्लाइन करना होता है, अर्थात आप उस फंक्शन में नहीं जा पाओगे। तो जब आप नहीं जाते किसी फंक्शन में तो उसका डिक्लाइन भेजना हो जाता है, नेगेटिव डिक्लाइन को रूप में भेजना होता है, अर्थात इनकार करके भेजना होता है कि आप किसी कारणवश उस फंक्शन को अटेंड नहीं कर पाते। यहाँ तक की बातें हमने की थी, मैंने आपको फॉर्मेट भी बता दिया था कि किस प्रकार से फॉर्मल इन्विटेशन रिप्लाई बनाया जाता है, एक्सेप्टिंग रिप्लाई बनाया जाता है। और लास्ट में एक क्वेश्चन मैंने आपको दिया था, उस क्वेश्चन को मैं आप यहाँ पे सॉल्व करके बताऊंगा बीच में क्या था। मैंने कहा कि जब भी हम फॉर्मल रिप्लाई बनाते हैं तो सबसे पहले रिप्लाई करने वाले व्यक्ति का नाम आता है, क्या आता है, सबसे पहले रिप्लाई करने वाले व्यक्ति का नाम आता है। तो देखिए कैसे बनाएंगे, क्वेश्चन था हमारा कि मिस्टर राम हैज इनवाइटेड यू टू अटेंड हिज डॉटर्स फोर्थ थर्ड बर्थडे, और डेट वगैरह की कितनी तारीख को अपने निवास स्थान पर रेजिडेंस पर आपको इनवाइट किया है। देखिए यहाँ पे मिस्टर राम इनवाइट कर रहा है, किसको इनवाइट कर रहा है, आपको इनवाइट कर रहा है। तो आपको इनवाइट कर रहा है अर्थात रिप्लाई करने वाले कौन हो, आप हो गए, आपका एक्स वाई जेड जो भी नाम है वो आपका नाम आ गया है। तो रिप्लाई करने वाले का नाम लिखना है सबसे पहले, तो जो भी आप नाम लिखोगे आपका नाम आएगा। उसके बाद में कहा था हमें क्या लिखना है, फॉर की, अभी ये व्यक्ति सिंगुलर है, एक व्यक्ति है, पुरुष है तो सिंगुलर है, सिंगुलर है तो हमें क्या आएगा, थैंक में ऐसे ही सजेगा हार्डली थैंक्स, और थैंक्स के बाद जिसे रिप्लाई भेजना है उस व्यक्ति का नाम आता है। देखिए उस क्वेश्चन में आपका जो रिप्लाई आपको भेजना है किसको भेजना है, किसने इनवाइट किया आपको, आपको इनवाइट किया मिस्टर राम ने, तो हमारा आंसर होगा रिप्लाई करने वाले व्यक्ति, सॉरी रिप्लाई जिसे किया जा रहा है उस व्यक्ति का नाम होगा मिस्टर राम। इफ यू आर हार्डली थैंक्स मिस्टर राम फॉर द काइंड इन्विटेशन, टू अटेंड, सेम फॉर्मेट में लिखा हुआ है, देखना फॉर्मेट का, टू अटेंड, टू अटेंड के बाद कितना होता है, फंक्शन का नाम क्या है, यहाँ पे फंक्शन बेटी का जन्मदिन है, ठीक है, बेटी किसकी है, मिस्टर राम की, मिस्टर राम कौन सा पर्सन है, थर्ड पर्सन, थर्ड पर्सन के लिए क्या आ जाएगा यहाँ पर, जैसे हिज डॉटर्स, हिज डॉटर्स थर्ड बर्थडे,
आ रहे हैं कुछ भी करें आपने लिखा 7 PM at 7 PM और कहां पर at his residence तो यहां तक मैंने कहा था कि यहां तक का जो फॉर्मेट होगा फॉर्मेट से मैंने जो आपको बताया उसने बताया था कि यहां तक जो होगा या आप चाहे फॉर्मल एक्सेप्टिंग बना रहे हो और चाहे फॉर्मल डिक्लाइनिंग बना रहे हो दोनों का सेम होता है। अब देखिए हमें एक्सेप्टिंग बनाना होता है हमें उसी है कि उस फंक्शन में जाएंगे तो उसको कैसे बनाएंगे आप ये डिक्लाइन होगी जो सेंटेंस हो वो कैसे बनेगा सबसे पहले हमें देखना है रिप्लाई करने वाला व्यक्ति कौन है। यहाँ रिप्लाई करने वाला व्यक्ति कौन है जैसे हमने लिखा बी क्यू आर अभी बी क्यू आर कोई पुरुष भी हो सकता है कोई मेल भी हो सकता है फीमेल भी हो सकती है तो उस नाम के अनुसार यहाँ पे क्या आ जाएगा डी या सी दोनों के लिए क्या आता है much pleasure to accept a और फिर आपको इसे बंद करना है। ये आपका लास्ट क्वेश्चन लास्ट वीडियो में मैंने आपको जीत दिया था उस क्वेश्चन का रिप्लाई होगा उस क्वेश्चन का जवाब होगा सबसे पहले रिप्लाई करने वाले का नाम लिखना उसके बाद सेम शब्द होंगे हार्डली थैंक्स रिप्लाई किसे किया जा रहा है सेंटी का नाम लिखना है उसके बाद में फिर हमें सेम लिखना होगा फॉर द काइंड इनविटेशन टू अटेंड अटेंड के बाद में यही चीज फॉर और डियर ये आपको रिप्लाई जिसे कर रहे व्यक्ति के नाम के अनुसार लिखना है यही किसके अनुसार आ रहे हैं जिसे हम रिप्लाई कर रहे हैं इनवाइट जो व्यक्ति है सॉरी इनवाइटर जो व्यक्ति है जिसे हमको इनवाइट किया उसे इनवाइट भेजे हम लोग उसके नाम के अनुसार यहाँ पे आएगा जिसे फॉर या डियर अगर एक क्वेश्चन पुश होगा तो डी जाएगा ये सिंगुलर फीमेल स्त्री होगी तो हर होगा और अगर यहाँ पर मिसेजन मिस्टर मतलब प्लुरल रूप में होगा तो आपके क्या आएगा डियर डॉटर बर्थडे कौन सा लिखा दिया तो समय दे रखा है तो आप लिख दीजिएगा थर्ड बर्थडे कितनी तारीख को बुलाया तारीख लिख दीजिएगा कितने बजे आपको आमंत्रित किया है और कहाँ आमंत्रित किया है जैसे लिखा है एट इज रेजिडेंस और लास्ट में रिप्लाई करने वाले व्यक्ति के नाम के अनुसार या डी लिखना है या सी लिखना है और अगर ये बहुवचन होगा तो क्या आएगा दे आएगा ई और सी के साथ है जाएगा दे के साथ है आएगा मच प्लेजर टू एक्सेप्ट इट शायद आपके समझ में आ गया होगा एक और क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं आओ देखिए देखिए क्वेश्चन क्या है मिसेज सीमा एंड मिस्टर हरीश हैव इनवाइटेड यू टू अटेंड डियर मैरिज एनिवर्सरी एट मैरिज एनिवर्सरी एट डियर रेजिडेंस ऑन तीस मई 2020 at 6 p.m. and onwards. Draft a formal accepting reply. देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन है कि मिसेज सीमा एंड मिस्टर हरी हैव इनवाइटेड यू समझ रहे हैं कि मिसेज सीमा एंड मिस्टर हरी ने आपको इनवाइट किया है दो चीजें देखनी है हमें इनवाइटर कौन है और इनवाइटी कौन है इनवाइट करने वाला कौन है मिसेज सीमा एंड मिस्टर हरी मिसेज सीमा एंड मिस्टर ये कौन है इनवाइट करने वाला इनवाइटी कौन है किसे आमंत्रित किया गया है आपको आमंत्रित किया गया है तो अब हमें रिप्लाई बनाना है इसका तो रिप्लाई बनाएंगे तो बताइए रिप्लाई कौन करता है
लिखता था रिप्लाई हमेशा कौन करता है, इनवाइट ही करता रहता, जिसे इनवाइट किया गया वो रिप्लाई करता है। इनवाइट किसे किया गया है? आपको किया गया, अर्थात सबसे पहले मैं आपका नाम लिखना है, देन इसके बाद में रिप्लाई किसे किया जा रहा है, रिप्लाई किसे किया जा रहा है जिसने आपको इनवाइट किया है। इनवाइटेड कौन है? इनवाइटेड कौन है? दिस इज सीमन मिस्टर अभी, उसे आपको रिप्लाई भेजना है। देन इसके बाद आपने की फंक्शन क्या है? फंक्शन है यहां पे डियर एट में सिंगल सी, कहां बुलाया है? उनके निवास स्थान पर बुलाया है। कब बुलाया है? 30 मई 2020 को बुलाया है। और कितने बजे बुलाया है? 6 बजे बुलाया है। शादी का ऑनवर्ड्स आपके आग्रह तक जब आप आना चाहते, और आपसे कहा जा रहा है कि ड्राफ्ट से फॉर्मल एक्सेप्टिंग रिप्लाई, कि आप इसे फॉर्मल तरीके से एक्सेप्ट करते हुए रिप्लाई बनाइए। तो देखिए इसका जो फॉर्मेट आपको बता रहा है, फॉर्मेट को आप यूज कीजिए। सबसे पहले आप एक बॉक्स नाम है, अब मैं यहाँ पे सबसे पहले रिप्लाई करने वाले व्यक्ति का, मैंने कहा रिप्लाई कौन कर रहा है? आप कर, आपका नाम जो भी आपका नाम लिखोगे आप पी क्यू आर आपका नाम हो जाएगा। आप क्या लिखेंगे? हार्टली। अब ये व्यक्ति सिंगुलर है तो क्या आ जाएगा? थैंक्स। रिप्लाई किसे भेजे हम यहाँ पे? मिसेज सीमा एंड मिस्टर हरी को यहाँ पे लिख देंगे, मिसेज सीमा एंड मिस्टर फरीद फॉर द काइंड इन्विटेशन। क्या है आगे? टू अटेंड। अटेंड के बाद लिखना है फंक्शन का नाम। देखो क्वेश्चन है, एट बाई जी एल सी, किसकी है बाई जी एल सी? मिसेस सी माई मिस्टर फरीद की। थर्ड पर्सन है, प्लूरल है, तो सेम क्या आ जाएगा? डियर है। टू अटेंड डियर एट मैनेजर एनिवर्सरी, एट मैनेजर एनिवर्सरी। अब देखिए कहां बुलाया है? निवास स्थान पिको रेजिंग पिको एट डियर रेजिडेंस। कितनी तारीख को बुलाया है? तारीख देखिए ना, 30 मई 2020। कितने बजे बुलाया है? एट 6 PM एंड ऑनवर्ड्स। ठीक है, यहां तक ओके। अब हम इसको एक्सेप्ट करके बनाना है, देखो इसको क्या एक्सेप्ट करके बनाएंगे, सी का करके बनाएंगे। तो रिप्लाई करने वाले की क्वालिटी को वही व्यक्ति क्या आ गया? आप सिंगुलर है, सिंगुलर है तो आपके लिए क्या आ जाएगा यहां पे? वो भी आएगा और या भी यहां पे क्या आएगा? सी आएगा। सिंगुलर है इसलिए इसके साथ क्या जोड़ेंगे यहां पे? हैज मच प्लेजर to accept it. ये आपका हो गया फॉर्मल। आपको आया समझ में? देखिए क्लिक कर रहा हूं, ध्यान देना। सबसे पहले रिप्लाई करने वाले व्यक्ति का नाम लिखना है। रिप्लाई कौन करेगा यहां पे? मिसेस सीमा एंड मिस्टर हरी हैव इनवाइटेड यू। मिसेस सीमा एंड मिस्टर हरी ने आपको इनवाइट किया है, आपको इनवाइट किया है। रिप्लाई कौन करेगा? आप करोगे। अर्थात सबसे पहले नाम किसका आएगा? आपका नाम आएगा। आपका नाम जो भी हुआ है अभी आप लिख दोगे, मैंने पी क्यू आर लिख दिया। फिर शब्द लिखेंगे हम हार्टली थैंक्स, कैसा आएगा? हार्टली थैंक्स। थैंक्स ऐसे ही है इसलिए आया, सिंगुलर है। अब थैंक के बाद क्या लिखना है? जिसे रिप्लाई किया जा रहा है, मतलब जो इनवाइटर है, रिप्लाई किसे किया जा रहा है? उसे सी माइन मिस्टर हरी को, सेम नाम लिख दीजिए। उसके बाद सेम होगा फॉर द काइंड इनविटेशन टू अटेंड, और अटेंड टू अटेंड के बाद हमें लिखना है फंक्शन का नाम। फंक्शन क्या है? जिस फंक्शन में आपको इनवाइट किया है, तो यहाँ पे फंक्शन है डियर एट मैनेज एनिवर्सरी। कहाँ बुलाया है? अपने निवास स्थान पर, डियर रेजिडेंस। कितनी तारीख को बुलाया है? 20 मई 2020 को बुलाया है। कितनी बजे बुलाया है? 6 बजे। और नंबर्स आपके आगमन तक, और लास्ट में आप रिप्लाई कर रहे हो तो आपके नाम अनुसार या तो होने डी और या क्या जाएगा? सी। अगर एक पुरुष है ए है तो डी आएगा, एक फीमेल है तो सी आएगा। हैज मच प्लेजर टू एक्सेप्ट। आशा करता हूँ आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल। और
has invited you, has invited you to attend the annual function as the chief guest. Draft a formal reply accepting it. मुझे ना स्टूडेंट समझना प्रश्न प्रश्न दिया हुआ है कि the principal of government senior secondary school अर्निया has invited you. कि government senior secondary school अर्निया की जो principal है उस प्रिंसिपल ने आपको इनवाइट किया है, अर्थात हमें कोई चीज देखनी होगी कि यहाँ पे इनवाइटर कौन है, इनवाइटर कौन है, द प्रिंसिपल, इनवाइटर कौन है, द प्रिंसिपल, इनवाइटी कौन है, किसे इनवाइट किया गया है, आप हैं, मींस रिप्लाई कौन करेगा, रिप्लाई आप करोगे, किसे रिप्लाई करेंगे, जिसे ने आपको इनवाइट किया, किसने इनवाइट किया, प्रिंसिपल. अब एक चीज देखिए, फिर हमें देखना है फंक्शन क्या आया है, फंक्शन क्या आया है, द एनुअल फंक्शन वार्षिक उत्सव समारोह, और आपको जो बुलाया गया है एक एडिशनल एक्स्ट्रा चीज भी है, यहां पे किस रूप में बुलाया गया है, चीफ गेस्ट के रूप में लिख बना बुलाया गया है, सेम लिखना होगा आपको फंक्शन के साथ में लिखना है. और फिर कहा है कि एक्सेप्टिंग रिप्लाई बनाइए, लेकिन ध्यान दीजिए यहाँ पे स्थान नहीं दिया है, कहाँ बुलाया है, कब बुलाया है, कितने बजे बुलाया है, ये सब आपको अपनी तरफ से लिखना होगा. कहाँ बुलाया गया है, अदर स्कूल में स्कूल में ही बुलाया होगा, दूसरे स्कूल में होगा, कितने बजे बुलाया है और कब बुलाया है, ये तारीख और समय नहीं दिया है, ये अदर स्कूल और आप खुद बनाओगे, खुद को अपनी तरफ से लिखना होगा, छोड़ना नहीं है. देखिए स्टूडेंट्स, सबसे पहले रिप्लाई करने वाले का नाम लिखना है, सबसे पहले रिप्लाई करने वाले का नाम लिखने का आपका नाम आएगा, आपका नाम वही मैं लिखना चाहिए पी क्यू आर, आपका नाम लिख देंगे ना पी क्यू आर, क्या जाएगा पार्टी थैंक या थैंक्स, सिंगुलर है तो थैंक्स, इसे थैंक्स कहना है प्रिंसिपल को, क्या लिखेंगे द प्रिंसिपल, हाँ नेम भी आ सकता है ना लिखिए, ठीक है, लेकिन यहाँ पर नाम दिया हुआ थर्ड पर्सन ही है, पदनाम लिख दीजिए पी क्यू आर हार्डली थैंक्स द प्रिंसिपल ऑफ गवर्नमेंट सीनियर सेकेंडरी स्कूल अर्निया, क्या लिखना है आगे, फॉर द काइंड इनविटेशन, फॉर द काइंड इनविटेशन टू अटेंड. अब देखिए अटेंड के बाद क्या लिखना है, फंक्शन का नाम लिखना है, तो देखिए फंक्शन क्या है, हमें एनुअल फंक्शन है, लिख दीजिए टू अटेंड द एनुअल फंक्शन. और हमें अब इस चीज का विशेष ध्यान रखना, अगर क्वेश्चन में कुछ अतिरिक्त दिया हुआ है, जैसे यहाँ पे ये किस रूप में बुलाया आपको, एज द चीफ गेस्ट बुलाया गया है, तो आपको उसे लिखना होगा जैसा उस क्वेश्चन में दिया हुआ उसी तरह से लिख दीजिए, यहाँ पे आप लिख दीजिए इसको से एज द चीफ गेस्ट, किस रूप में बुलाया गया आपको, चीफ गेस्ट के रूप में बुलाया गया. अब मेरे मैं कहाँ बुलाया है, वैसे तो अगर स्टूडेंट स्कूल ही होगा तो लिखना चाहते लिख दीजिए इन स्कूल कैंपस, स्कूल का नाम ऊपर दे दिया आपने, रिपीट करने की आवश्यकता नहीं है, सीधा लिख दीजिए इन स्कूल कैंपस, स्कूल कैंपस में ही बुलाया, ठीक है, तारीख लिखनी है नहीं दी हुई है, आप अपनी तरफ से कोई भी तारीख लिख दीजिए, आपने लिखा 5th June 2000 लिख दीजिए, ऐसे तो कोरोना चल रहा है, एनुअल फंक्शन की अनुमति नहीं होगी, फिर लिख दीजिए 5th June 2020 और टाइम लिख दीजिए आपने लिखा एट 5 PM, एट 5 PM यहाँ पर हमने बना दिया. अब देखिए हमने इसको एक्सेप्टिंग बनाना है, डिक्लाइन बनाना है, क्वेश्चन से देखना होगा, दे रखा है यहाँ पे कि एक्सेप्टिंग इसे हमने बनाना है, आपसे स्वीकार कर रहे हो, तो स्वीकार कर रहे हो तो देखिए सबसे पहले डिक्लाइन करने वाले कौन है, पी क्यू आर,
इसके अनुसार क्या आ जाएगा यहाँ पे, बी आएगा, एफ आएगा, यहाँ पे सी आ जाएगा। और फिर क्या लिखना है, हैज मच प्लेजर टू एक्सेप्ट। अब फिर आपको इसी ब्लॉक को बंद करना, ये आपका आईएस करेगा। एक बार रिपीट करके समझा दो आपको कि सबसे पहले हमें रिप्लाई करने वाले का नाम लिखना है, पर्सन से देखना होगा रिप्लाई करने वाला कौन है। आपको दो चीजें देखनी है कि एक तो इनवाइट कौन कर रहा है और इनवाइट किसे कर रहा है। जो इनवाइट कर रहा है उसे रिप्लाई भेजा जाता है और जिसे इनवाइट किया गया है वो रिप्लाई करने वाला व्यक्ति होता है। तो जैसे हम कहा गया कि प्रिंसिपल ने आपको इनवाइट किया है तो आप रिप्लाई हम कौन से जी ने आप के को यहां पर रिप्लाई, तो आपका नाम आएगा। इसके बाद फॉर की थैंक्स किसको रिप्लाई भेज रहे हैं, उस व्यक्ति को जिसने आपने आपको इनवाइट किया, तो क्यों है वो बिना प्रिंसिपल कौन सी स्कूल का, उस स्कूल का नाम इंडिया पर्सन ने दे रखा है। आगे फॉर द टाइम इनविटेशन टू अटेंड, और टू अटेंड के बाद हमें लिखना फंक्शन का नाम। फंक्शन यहाँ पे क्या है, ड्राइवर फंक्शन है। और साथ ही कहा किस रूप में बुलाया गया आपको, चीफ गेस्ट के रूप में आपको बुलाया गया है, आप सी में बी किया एज द चीफ गेस्ट। कहाँ बुलाया गया स्टूडेंट, इसको भी नहीं होगा फंक्शन, हमने सीधा लिखे स्कूल कैंपस। कितनी तारीख को बुलाया पर्सन ने, नहीं दे रखा अपनी तरफ से लिखना है, लिखना है कोई तारीख लिख दीजिए। कितने बजे बुलाया नहीं दे रखा पर्सन ने, अपनी तरफ से लिखना है कोई समय लिख दीजिए। और फिर हमें रिप्लाई करने वाले व्यक्ति के नाम के अनुसार या तो डी आना है या सी आना है या डी आना है। आप अकेले व्यक्ति रिप्लाई करने वाले यहाँ पे क्या आ जाएगा, या तो डी आ जाएगा या सी आ जाएगा। मच प्लेजर टू एक्सेप्ट, समझ रहे आ गया होगा। एक चीज और कहूंगा बीच में कि आप इस चैनल से जुड़े हुए हो, आप जो वीडियोस हैं आप इसे लाइक कीजिए, अपने और साथियों को शेयर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स को इससे जोड़िए। आप चाहे तो इंग्लिश के जो वीडियोस हैं मेरे पर्सनल यूट्यूब चैनल की है हरिशंकर शर्मा के नाम से, आप उसे भी सब्सक्राइब कर लें, वहां भी आपसे वीडियोस के साथ और मोर वीडियोस और क्या वीडियोस आपको उपलब्ध होंगे, ठीक है। बाकी इस चैनल को सही स्कूल का जो ये चैनल है, ये जो प्लेटफॉर्म है ऑनलाइन स्टडी का, आप इसे भी सब्सक्राइब कीजिए और अपने साथियों को और अपने दोस्तों को और स्कूल्स के बड़े साथी लोग स्टूडेंट्स हैं आप इन्हें भी शेयर कीजिएगा। साथ ही मेरा पर्सनल जो यूट्यूब चैनल है आप उसे भी सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए, लाइक करें, ओके।